अब आप इस पे जाके एंटर करेंगे। देखिए डेट बता रहा, एक बार इसने एक तारीख से की थी, फिर एक बार 2 तारीख से की थी। अपन यहाँ पे एक या 2 तारीख डाल सकते हैं, इससे आगे की डेट नहीं डाल सकते। लेकिन जब आप किसी हिस्से में वर्क करेंगे, आप तो वही डेट डालेंगे जिस डेट में स्टूडेंट आपको फीस पे कर रहा है, तो वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्लियर? इतने हाँ, वहां पे तो आप जिस डेट में एंट्री करेंगे वो डेट आएगी, क्योंकि अभी अपन टैली का जो सॉफ्टवेयर है परचेस नहीं किया, अपन सिर्फ एजुकेशन मोड पे उसका यूज कर रहे हैं। तो इस पे आप एक या 2 तारीख डालते हैं, लेकिन जब आप कहीं वर्क करते हैं तो वो लोग टैली का सॉफ्टवेयर परचेस कर लेते हैं, फिर आप उस पे जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हैं वही डेट आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक या 2 तारीख ही डाल सकते हैं। आपने देखा अपन ने 2 तारीख डाली, सेव हो गई थी एंट्री, लेकिन 2 तारीख की आज की डेट आप इसमें नहीं डाल सकते। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट है आप लोग? एक स्टूडेंट क्या देखना है आपको? दो बच्चे हैं, दोनों देखिए आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं डीएल डाल, आपने यहाँ पे क्लास डाली हुई, आपको सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट से देखना है। ऊपर आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में यहाँ पे नेम ऑफ लेजर बता रहा हूँ, आप यहाँ पे 10th क्लास जैसे लिखेंगे तो आप देखना सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट आपको हाईलाइट हो रहे हैं। अब आपको जिस भी स्टूडेंट से देखना है आप उस पर जाके एंटर करना। यहाँ पे आपको अमाउंट बताया, इस स्टूडेंट ने सिर्फ आपको 2000 फीस पे दिए, बता रहा हूँ। एसकेप से बैच चलते हैं, सेकेंड स्टूडेंट पे जाएंगे, इसने आपको 2000 फीस जमा, दो बार फीस जमा की, सॉरी टोटल अमाउंट कितना जमा किया है इसने आपको 3000, एक बार 2000, एक बार 1000, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपको 11th क्लास का देखना है, तब आप यहाँ पे 11th क्लास के स्टूडेंट से सर्च करेंगे। इसे हटा देते हैं। अब आप 11th क्लास डालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट ही आपको देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पे 11th क्लास में जाके सर्च कर लेंगे। देखिए इसमें आपको 3 बार फीस जमा की, टोटल अमाउंट कितना जमा किया है 4000, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर? इतना कर लेंगे। इतने में किसी में कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इतना कर लेंगे। आप यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे आप यहाँ पे प्रेस करते हैं डी, डी से आप जाते हैं डिस्प्ले पे, ए से अकाउंट बुक, एल से लेजर, डी ए एल, तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर देखने को मिलेगा। उस यहाँ पे आपको सब लेजर देखने को मिल रहा है। अगर आपको सर्च करना है आप यहाँ पे नेम ऑफ लेजर में सर्च कर सकते हैं। और आप देखते हैं अपन पहले क्लास डालते हैं फिर स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, क्यों? क्योंकि आप हमेशा जब भी स्टूडेंट का नाम सर्च करते हैं क्लास से करते हैं। अब जैसे आप राम नाम डायरेक्ट लिख देते हैं, अब हो सकता है राम नाम तो स्टूडेंट 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है, तब आप राम डालेंगे, दो राम आए, लेकिन अपन यहाँ क्लास डाल देते हैं, आपको क्लास से समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ क्लास डाला, अब आप इस पे जाके एंटर कर देंगे। अपन हमेशा क्लास से सर्च करते हैं। आप देखे ना यहाँ पे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपन ने LIS में डाला था मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, एड्रेस एड्रेस से भी सर्च कर सकते हैं। नहीं, LIS में आपने फादर नेम डाला था, आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। LIS में अपन ने डाला था मोबाइल नंबर और एड्रेस। क्या करना है आपको? बैठ जाइए भैया आप। हाँ हो जाएगी, जैसे कि आपकी कंपनी बनी हुई है, आप सेम नाम से दो कंपनी बना सकते हो, लेकिन आप लेजर नहीं बना सकते। अगर आप सेम नाम से लेजर बनाते हैं तो वो डुप्लीकेट एंट्री बताता है, लेकिन कंपनी आप बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं आपको एक कंपनी अपनी डिलीट करना है, तो आप वो कंपनी पहले यहाँ पे ओपन करेंगे। आप ओपन कर लेंगे, अपन ने जैसे अभी यहाँ पे होंगी, अब आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं अल्टर प्लस F3, आपको प्रेस करना है अल्टर प्लस F3, तो आप आ जाएंगे यहाँ पे कंपनी इन्फो पे। लेकिन कंपनी के अंदर जाने के बाद पहले आप कंपनी ओपन करेंगे अपनी, फिर आप प्रेस करेंगे अल्टर प्लस F3, फिर आपको यहाँ पे अल्टर शो करवा रहा, आपको प्रेस करना है ए। अब आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी आ रही है, आप एंटर करेंगे। अब आपको इस कंपनी को डिलीट करना है, तब आप प्रेस करेंगे अल्टर प्लस डी, फिर डिलीट अल्टर प्लस डी। अगर डिलीट करना है तो यस कर देना, नहीं करना है तो नो कर देना। अपन जो डिलीट नहीं करना है तो अपन नो कर दे रहे, आपको डिलीट करना है तो आप उसे यस कर देना। लेकिन कैसे करेंगे, पहले आप अपने वो कंपनी ओपन करेंगे, फिर आप प्रेस करेंगे अल्टर प्लस F3, उसके बाद ए। कंपनी आ रही है, आप इस पे जाके एंटर करेंगे, अल्टर प्लस डी से आप उसे डिलीट कर देंगे। क्लियर?
आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, चलेंगे आप इतना।